बिसमरीम अल्लामकम उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त कश्मीरी फिरनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये हम वाजवान स्टाइल बनाएंगे ये रमज़ान स्पेशल है रमज़ान में हर एक कश्मीरी के घर में ये बनती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक खुला सा बर्तन लिया है जिसमें मैं फुल फैट ड्राई मिल्क ऐड कर रही हूँ 300 ग्राम और इसी के साथ मैं इसमें आधा लीटर पानी ऐड करूँगी और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है यहाँ पर मैंने एक हैंड विस्कट लिया है जिससे इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब तक इसमें कोई भी लॉम ना रहे देखिए हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है और इसमें कोई भी लॉम्स नहीं रहे हैं ये देखिए विदाउट लॉम्स कितना स्मूथ ये तैयार हुआ है और इसे हम साइड में रखेंगे यहाँ पर एक खुले से बर्तन में मैंने डेढ़ लीटर दूध लिया है जिसे मैंने उबलने के लिए रख दिया है हाई फ्लेम पे दूध में जो ही उबाल आ जाएगी इसमें हम सूजी ऐड करेंगे यहाँ पर मैंने 250 ग्राम सूजी ली थी जिसे मैंने दो से तीन बार अच्छी तरह से धो लिया था फिर इसे मैंने पानी में सोख करने के लिए रख दिया था एक गिलास पानी में मैंने इसे सोक किया था सूजी जो है सॉफ्ट हो गई है और थोड़ी सी फूल गई है ये देखिए दूध में जो है उबाल आ चुकी है और इसमें अब हम ये सूजी ऐड करेंगे जो ही हम दूध में सूजी शामिल करेंगे इसे हमें कंटिन्यू मिक्स करना है इसमें हमें लम्प्स बनने नहीं देना है इसीलिए हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे इसमें कोई भी लम्प्स नहीं बनने चाहिए अभी भी हम इसे हाई फ्लेम पे कुक कर रहे हैं ये देखिए और इसे हमें तब तक मिक्स करना है जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए ये देखिए और ये जो मिक्सचर है गाढ़ा हो रहा है आप देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी सी गाढ़ी हो रही है थोड़ा समय से और गाढ़ा करना है ये देखिए अब मैंने गैस को बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखा है और आप देख सकते हैं ये कितनी गाढ़ी हो गई है इस स्टेज पे मैं इसमें कंडेंस मिल्क एक टिन ऐड कर रही हूँ 400 ग्राम्स है ये आप चाहे तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं या चाहे तो इसी के साथ चीनी भी शामिल कर सकते हैं जैसे भी आप मीठा खाते हो उसी हिसाब से एडजस्ट करें और इसे हम मिक्स करेंगे और गैस को मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे अभी रखा है क्योंकि ये जो मिक्सचर है एकदम गाढ़ा हो चुका है ये देखिए और अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स शामिल करेंगे यहाँ पर मेरे पास आलमंड्स यानि बादाम के स्लाइसिस है वो ऐड कर रही हूँ इसी के साथ मैं इसमें किशमिश शामिल करूँगी नारियल बिल्कुल पतले नारियल के स्लाइसिस इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ड्राई फ्रूट आपकी मर्ज़ी है कम ज़्यादा अपने हिसाब से शामिल करें और मैंने इसमें वन टीस्पून इलायची इलाची पाउडर ऐड की है और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ये देखिए सब चीज़ें हमने अच्छी तरह से मिक्स कर ली है एक चीज़ आपको याद रखनी है जब आप ये सारी चीज़ें मिक्स करें इसमें कोई भी लम्ब नहीं होना चाहिए ये बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए और अब हम इसमें ड्राई मिल्क ऐड करेंगे जो हमने तैयार करके रख दिया था और इसे हम अब मीडियम हाई हीट पे इसे अब हम कुक करेंगे और कंटिन्यूसली इसे हम मिक्स करते रहेंगे जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए ये देखिए बहुत ही ज़रूरी है इसे मिक्स करना क्योंकि इसमें हमने ड्राई मिल्क ऐड किया है ये देखिए ये उबल रही है और अब मैं गैस को ऑफ़ करूँगी और आप देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल भी गाढ़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ठंडा होने के बाद ये खुद गाढ़ी हो जाएगी और अगर आप इस स्टेज पे इसे ज़्यादा पकाएंगे ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी और खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी फिरनी जो है तैयार हो गई है और जिस बर्तन में भी आपको ये सर्व करनी है गरम गरम ही सर्व करनी है उसके बाद ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगी और उसके बाद जब यह ठंडी हो जाए फिर आप इसे सर्व करें खाने के लिए ये देखिए यहाँ पर मैंने मिट्टी के बर्तन लिए हैं जिनमें मैं ये सर्व कर रही हूँ और एक बार जब ये सेट हो जाएगी बिल्कुल ठंडी हो जाएगी उसके बाद आप इसे सर्व करें खाने के लिए बहुत ही टेस्टी ये फिरनी बनती है ये देखिए और इसे हम थोड़ा सा गार्निश करेंगे यहाँ पर मेरे पास खशखाश यानी पॉपी सीड्स है जो मैं बिल्कुल किनारों पे ऐसे छड़क रही हूँ और दूसरे वाले में मैं थोड़ा सा पिस्ताचू जो है उसका पाउडर छिड़कूँगी ये आपकी अपनी मर्जी है आप गार्निश अपने हिसाब से कर सकते हैं और थोड़े से नारियल की स्लाइसेस है जिससे मैं इनको गार्निश कर रही हूँ वाजवान स्टाइल फिरनी तैयार हो गई है आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग